आशियाना स्कैंडल की बात करते हैं। एहतसाब अदालत में नैब की तरफ से एलडीए के चीफ इंजीनियर इसरार सईद, पंजाब लैंड डेवलपमेंट कंपनी के बिलाल कुदवाई, इम्तियाज हैदर और कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद आरिफ को रिमांड के लिए पेश किया जाएगा। चारों अफसरान को नैब ने कल गिरफ्तार किया था। अपडेट आपको करें कि इन चारों अफसरान को कल नैब ने गिरफ्तार किया था। मजीद जानेंगे शाहीन अतीक से। शाहीन अतीक, आगाह कीजिएगा। जी, आज एहतसाब अदालत ने नैब पंजाब ने आशियाना स्कैंडल केस में जो है वो जिन चार अफसरान को गिरफ्तार किया था, आज उनको रिमांड के लिए जो है वो अदालत में पेश किया जाएगा। और जिन मुल्जमान को गिरफ्तार किया गया उनमें चीफ इंजीनियर एलडीए इसरार सईद और पंजाब डेवलपमेंट कंपनी के बिलाल कुदवाई और इम्तियाज हैदर, कर्नल रिटायर्ड आरफ है, इनको रिमांड के लिए यहाँ पर जो है वो पेश किया जाएगा। और अभी थोड़ी देर बाद जो है वो, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी अलर्ट कर दी गई है और अभी इनको रिमांड के लिए पेश किया जाएगा। इनको इनकी गिरफ्तारी जो है वो आहद चीमा की तफ्तीश के दौरान जो है वो अमल में लाई गई थी। इन पर ये इल्ज़ाम है कि इन्होंने जो आशियाना स्कीम का मुआहदा था उसका जो प्रोजेक्ट सारा है वो इन्होंने तैयार किया था, उसके बाद ये कार्रवाई जो है वो आगे जो है बढ़ाई गई थी। अब अदालत में पेश करने के बाद मालूम होगा कि मजीद इनके ऊपर क्या इल्ज़ाम हैं, मजीद क्या इल्ज़ाम हैं, फिर ही मालूम हो सकेगा। बहुत शुक्रिया शाहीन अतीक आपका।